नमस्ते संस्कृता है मेरे प्रिय बच्चों, बीपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं कुमार गौरव सर। जैसा कि उस दिन हम वचन पढ़ाए थे जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, वहाँ पर हमारा दो वचन केवल एक वचन और द्विवचन पढ़ाया, जहाँ पर तीसरा बहुवचन छूट गया था। आज उसको हम लेकर आए हैं। जैसे बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि की अनेक ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लता शिशवा रवैया, लता का लता हो जाएगा, शिव का शिवा हो जाएगा, रवि का रवै हो जाएगा, ये हमारे बहुवचन में बनते हैं। तो आज हम यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है बहुवचन। अब हम अकारांत पढ़ाते हैं। अकारांत को हम पुल्लिंग भी कह सकते हैं, अकारांत, और यहां पर हो जाएगा पुलिंग। अब अकारांत पुलिंग क्या होता है? वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष, जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि क्या बोध कराते हैं वे पुलिंग शब्द कहलाते हैं। अकारांत पुलिंग क्या होगा? जैसे वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष, जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि क्या बोध कराते हैं वे पुलिंग शब्द कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष, जात के व्यक्ति वस्तु का बोध है, बोध कराते हैं उसे हम अकारांत या पुलिंग कहते हैं। अब इसमें हमारा दो बन सकता है, जैसे सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या क्या आएगा और निर्जीव में क्या? जैसे सजीव में हमारे सजीव आ जाए, जैसे राम हुए, बालक हुआ, बकरा हुआ, घोड़ा इत्यादि। इसी तरह हमारा निर्जीव भी होगा, निर्जीव में हमारे हो जाएंगे रुमाल हुआ, कपड़ा हुआ, फल, मटर, ये सब हमारे निर्जीव में आएंगे। रुमाल, फल, कपड़ा, मटर इत्यादि, ये सब जो शब्द लिखे हैं ये सब हमारा सजीव में अगर देखा जाए ये अकारांत शब्द है। सजीव में आए जाएंगे राम, बालक, बकरा, बालक, शेर। तो निर्जीव में रुमाल, कपड़ा, फल, मटर, ये हमारे अकारांत में आते हैं। तो अकारांत में जैसे हमको राम का रूप लेना है, सबसे पहले राम का रूप हम बताते हैं आप लोगों को।
यहाँ पर आप राम कदम पढ़ा रहे हो, अब यहाँ पर हमारा वचन तीनों प्रयोग होंगे और विभक्तियां, वचन और विभक्तियां इसमें प्रयोग होती है तब जाके रूप तैयार होता। बिना विभक्ति और वचन का रूप नहीं बन सकता, अगर बिना विभक्ति वचन का रूप कोई बनाता उसको गलत किया जा सकता। तो हमारे यहाँ पे जैसे विभक्ति, विभक्ति क्या क्या होती है, विभक्ति और वचन इसमें एक वचन, बहुवचन, एक वचन का ध्रुवचन हो गया, ध्रुवचन और बहुवचन। अब विभक्तियां कितनी होती हैं? अगर कहा जाए, देखा जाए तो आठ होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आठवें को क्या कहते हैं, संबोधन, संबोधन बोला जाएगा आठवें को। यहाँ पे पहले विभक्त, पहला विभक्त होगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहां पर लिखा हुआ संबोधन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो यहां पर एक वचन में जैसे राम का रूप हो जाएगा, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात और रामस्य और रामे, सत्वा होगा और संबोधन में हे राम लगता है। तो यहां पर हम पहले एक वचन का लिखते हैं, राम है, राम है, राम है, पद होगा रामम, पहले द्वितीया में आ जाएंगे, फिर तृतीया हो जाएगा रामेण, तृतीया हुआ रामेण, हुआ तृतीया, चतुर्थी हो जाएगा अरामाय, और पांचवा क्या होगा रामात, पांचवा हमारा रामात हुआ, षष्ठी हो जाएगा रामस्य, और सप्तमी हो जाएंगे रामे, फिर हमारा इसी तरह जैसे फर्स्ट बना राम है, राम रामे, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, और संबोधन में हे राम, संबोधन में आकर संबोधन कर। और तृतीय वचन में क्या होगा, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 फिर हो जाएगा हमारा रामायो, रामायो, फिर हे रामा। तो इसी तरह द्वितीया का बनेगा, द्वितीया को याद करें या ना करें उसका एक हम ठीक बताते हैं हम लोग। अगर पहला ये जैसे रूप याद करना है तो सबसे पहले अगर जो पहला याद हो गया एक वचन का, जैसे ये एक वचन में याद हो गया तो आपको द्वितीय में और तृतीय में कोई समस्या नहीं है, द्वितीय तो एकदम सरल है। अगर पहला जैसे प्रथमा याद हो जाएगा, द्वितीय आपको याद हो गया, तृतीय आपको हो गया, षष्ठी तक याद हो जाएगा, इसी तरह सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी का हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं रामो, रामो, रामाभ्याम, रामाभ्याम, इसी तरह ये भी बनेगा, इसी तरह ये भी, इसका मतलब समझ रहे हैं ना,
अष्टमी तक रामाभ्याम ही रहेगा। षष्ठी में आपको करना है रामायण, षष्ठी में हमारा रामायण हो गया, यही चीज हमारा सप्तमी में भी रहेगा और फिर हो जाएगा यहां पर सेम यही हो जाएगा। हे रामो यहां पर सेम हुआ, हे रामो। अगर आपको पहला तीनों याद हो जाता है तो संबोधन आपको तुरंत याद हो सकता है। अब हमारे यहां पर बहुवचन नहीं, बहुवचन होगा, इसको एक बार आपको देख लीजिए। पहले रामो है, रामो है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर यहां पर यही बनेगा षष्ठी में, यही सप्तमी में रहेगा, सेम वही रहता है। ये द्वितीय बहुत सरल होता है दुर्वचन। और बहुवचन, बहुवचन में हमारा आ जाएगा रामा, इसमें आ जाएगा हमारा जैसे यहां पर हुआ रामान रामान। दूसरा हमारा बनेगा रामान हुआ ये। अब इसी तरह रामे रामेभ्य है, अब यहां पर तीसरा बनेगा हमारा रामे रामे, तीसरा हो गया। फिर चौथा हमारा बनेगा रामे रामेभ्य है, यहां पर भ्य हो जाएगा। फिर वही चीज चतुर्थी भी बनेगा, सेम यही रहेगा, रामेभ्य ही होगा। अब हमारा चतुर्थी तक ये हो गया, चतुर्थी में चतुर्थी और पंचमी, पंचमी और चतुर्थी रामेभ्य रहेगा। फिर षष्ठी में हमारा यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर रामायण हो जाएगा षष्ठी राम। और यहां पर हमारा हो जाएगा सप्तमी में रामेशु, रामेशु। अब लास्ट में यही रहेगा हे रामा। हे रामा, इसको हम एक बार आप लोगों को कहानी के रूप में बता देते हैं। अगर आपको किस तरह से नहीं याद हो जा रहा, अगर ये जैसे याद हुआ इसको मत याद करिए, ये हो गया। अगर हम जो पहले आपको बताएं कि पहला अगर याद हो जाता है वचन का, तो आपको सब याद हो जाना चाहिए। तो ये इसमें और इसमें बहुवचन में कुछ नहीं है, द्वितीय और बहुवचन में कुछ नहीं है। तो इसी तरह इसको हम कहानी की तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे वह राम है रामो रामा है, समाप्त होता है।